बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डेली बेसिस के नाजरीन। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये स्पेशल रेसिपी है, मेरी अपनी है बिल्कुल, और मेरे घर में ये सबसे ज्यादा बनती है। तो इसका नाम जो है वो डेली बेसिस स्पेशल है, स्पेशल कढ़ाई। तो ये मैं कढ़ाई बना रही हूँ चिकन की। मेरे घर में बच्चे ज्यादा शौक से गोश्ती खाते हैं, तो मोस्टली इसलिए चिकन की रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ। तो इसके लिए अज्जा जो है वो ये है। ये 1 kg चिकन है, ये एक मीडियम साइज, मीडियम से थोड़ा बड़ा ही है साइज का, बारीक चॉप किया हुआ प्याज है। ये 2 चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट है, कुटा हुआ पेस्ट नहीं, इसे मैंने बनाया कुटा है। और टमाटर है ये 2 मीडियम साइज के कटे हुए। ये गार्निशिंग के लिए है अदरक, लेमन और ग्रीन चिली। और ये स्पाइसेस जो है वो ये हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सूरख मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी है, चाय का चम्मच, और ये 1 चम्मच गरम मसाला है, और ये थोड़ी सी कुटी हुई दालचीनी है। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जी, ये तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं डालूंगी इसमें ऑयल। और एक खास बात ये कि आप कभी भी ठंडे पैन में ऑयल मत डालिएगा, और ऑयल को गर्म किए बगैर आप उसमें प्याज मत ऐड कीजिए, ठीक है जी। तो हमारा पैन भी गर्म था, मैंने पहले गर्म रख लिया था होने, तो ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ प्याज। और इन प्याजों के साथ ही मैं शामिल कर दूंगी ये अपनी दालचीनी। प्याज हमारा सॉटे हो गया है, अब हम इसमें अपना लहसुन अदरक शामिल करेंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही मजेदार खाने बनाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा स्पाइसेस डालने से वो एक मिक्सचर सा बन जाता है और खाना बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जो कि हमारे जिगर के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हमारे यहाँ इसीलिए तो ज्यादा पेशेंट्स हैं, स्टमक डिस्टर्ब रहता है और हेपेटाइटिस है, इसलिए हमारी एवरेज एज भी कम है कि हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं। जो लोग कम स्पाइसेस खाते हैं और हेल्दी फूड लेते हैं, ज्यादा कच्ची वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा है एवरेज, और बीमारियों से भी महफूज रहते हैं, जिगर की, स्टमक की और हार्ट पेशेंट्स जो है ये नहीं होते। अब हम इसमें डाल देंगे अपना 1 मिनट बस चिकन, उसको फ्राई करने के बाद लहसुन प्याज को हम अपना चिकन शामिल कर देंगे, और अब साथ ही हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। और ये सारे मसाला जात में इसमें शामिल कर दूंगी। हम लोग सैलड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और कच्ची सब्जियां बहुत खाते हैं, जैसे गाजर हो गई, शलजम हो गए, मूली हो गई, खीरे हो गए,
और बेबी लीफ जो होते हैं स्पिंच के, पालक के, वो उसका सैलेड बहुत मजे का बनता है, बहुत ही ज्यादा मजे का। और बंद गोभी हो गई, ये हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, इसके बगैर खाना नहीं खाते हम लोग। मैं सिखाऊंगी किसी दिन आपको ना पालक के पत्तों का सैलेड, बहुत ही मजे का बनता है, बहुत ही मजे का बनता है जी। बस ये फाइनल हो गया है, अब मैं इसको ढक दूंगी, अब जब भुनाई करने वाली होगी, फाइनल होने वाला होगा, फिर मिलते हैं जी। तो देखें माशाल्लाह से बहुत जल्द 5 मिनट में हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार होने वाली है, बस ये फाइनल हो रही है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। और तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढका था, सारे मसाले अच्छे से गल गए हैं, रच गए हैं। इसको और स्पाइसी बनाने के लिए टर्की स्टाइल का मैं अचार बनाती हूँ, जैसा शवारमे में भी यूज होता है वो हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा सब्जियों का होता है, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह, आज ही उसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मजे का है वो, मुझे डेली का एक बाउल बनाना पड़ता है। रात को मैं अब अचार बना के रख देती हूँ, सुबह तक वो रेडी हो जाता है, वो सारा एक दिन में पूरा बड़ा हुआ बाउल जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसको एयर टाइट बाउल में आप बनाइए। जी देखिए माशाल्लाह ये रेडी है, अदरक सब्ज मिर्चे और लेमन मैंने डाल दिए हैं। हाँ हमें मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, खासतौर से सुरख मिर्च का, अगर आपके खानों में मिर्च कम हो तो आप ऐसे साथ में ग्रीन चिली यूज कर सकते हैं, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बीज भी क्योंकि निकल जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। जी माशाल्लाह ये डन हो गई है, मैं अब इसको डन है, मैं अब इसको निकाल लेती हूँ, डिश आउट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिश आउट करके। ये हमने आग बंद कर दी जी। तो हमारी डेली बेसिस स्पेशल चिकन कढ़ाई रेडी है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आसान, इसको जरूर रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हम्यो नासिर हो, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।